दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे जब आप अपना 3B फाइल करते हैं तो 3B फाइल करने पर आपको चालान कब क्रिएट करना होता है और चालान की जो पेमेंट आप जो है आपको क्यों करनी होती है, यानी कि जब आप देखेंगे कि आपके दोनों ही जो लेज़र होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र जो होता है, उनमें बैलेंस रहता है लेकिन उसके बावजूद भी आपको चालान पेमेंट करना होता है, यानी चालान जनरेट होने के बाद आप चालान की पेमेंट करते हैं तभी आप अपनी जो है GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो पिछले मंथ यानी कि मार्च महीने की मैंने अपनी 3B जब मैं फाइल कर रहा था और उसी टाइम में मेरे को जो है चालान क्रिएट करना पड़ा और चालान क्रिएट करने के बाद मैंने चालान की पेमेंट भी की, जबकि मेरे दोनों ही जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र जो थे उसमें बैलेंस था और उसके बावजूद भी मेरे को इसकी चालान जनरेट करना पड़ा और चालान जनरेट करने के साथ ही मैंने जब उसका पेमेंट किया तभी मैं अपनी GSTR 3B को कंप्लीट कर पाया। तो यहाँ पर एक समरी है, समरी के अंदर मैं आपको यही दिखाना चाहूँगा कि ये मैंने एक्सेल के अंदर समरी बनाई है और यहाँ पर आप देखेंगे मार्च महीने की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एलिजिबल ITC, जो एलिजिबल ITC जो होता है यानी कि पिछले महीने मार्च मंथ के अंदर मेरे को जो एलिजिबल ITC होता है जिसमें IGST मेरे को मिला 4,788 रुपये का, CGST 5 रुपये का और SGST भी 5 रुपये का, तो यानी टोटल अगर मैं मिला के बात करूं तो 4,798 रुपये का मेरे को ITC यानी इनपुट टैक्स जो क्रेडिट होता है वो मेरे को इसके अंदर पोर्टल में रिसीव हुआ। अब यहाँ पर और अब मेरे को जो फाइल करना है यानी कि मैंने अपने GSTR 1 के अंदर जो मेरी सेल हुई थी उसके अंदर मेरी IGST बनी 7,117.06 रुपये की और अब यहाँ पे CGST जो होती है इसमें जैसे 5 रुपये तो मेरे को ITC मिला और CGST 141 रुपये की और ठीक उसी तरह से SGST। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो GSTR 1 के अंदर आप अपनी रिपोर्ट जो सेल दिखाते हो उसी का डाटा आपका ऑटो पॉपुलेट होके 3B के अंदर आता है, तो सेम यही डाटा नीचे 3B के अंदर रिपीट हो गया और 3B के अंदर मेरे को जो है टोटल यहाँ पे IGST SGST और CGST जो होता है इसका अमाउंट मुझे पे करना है। तो जब मुझे पे करना था तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर आप देखेंगे बैलेंस जो था IGST 3,170 रुपये था और CGST 29 रुपये था और SGST उसके अंदर 332 रुपये था। तो ये तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस था, टोटल बैलेंस 3,531 रुपये था और इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर था इसके अंदर मेरा SGST 22,304 रुपये का था। अब मुझे क्या करना है, जब मैंने 3B फाइल किया तो 3B फाइल करने पर यहाँ पर आप देखेंगे कि अब जो मेरे को यहाँ पे IGST 7,117 रुपये की पे करनी है तो सबसे पहले क्या रूल होता है, यहाँ पर IGST में से जो आपको इनपुट मिला है इनपुट में से ये अमाउंट लेस हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो कि आपको 7,000 पे करना है तो 7,000 में से अगर जो आपका ITC होता है जिसमें IGST कितना है 4,788.48 रुपये, तो मैंने यहाँ एंटर किया तो ये बैलेंस कितना बच गया 2,328 रुपये का। ये अब यानी कि आपको ITC कम मिला लेकिन आपकी जो है जो लाइबिलिटी है वो ज़्यादा बन रही है। तो अब इसके बाद CGST की बात करता हूँ तो CGST के अंदर भी सेम प्रोसेस, इसमें से मैं ये लेस कर देता हूँ 141 में से 5 रुपये 9 पैसा, तो अब यहाँ पर भी आप देखेंगे 136 रुपये का अमाउंट हो गया और ठीक इसी तरह से नीचे भी यही प्रोसेस मैं फॉलो कर लेता हूँ, इसमें से ये वाला अमाउंट लेस हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर अगर इसको सीधा ड्रैग करता हूँ, ड्रैग करने पर अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी जो एलिजिबल ITC जो होता है यानी एलिजिबल ITC में देखेंगे इनको मैंने लेस कर दिया, लेस करने के बाद अभी भी मेरे को 2,602 की पेमेंट करनी है। अब 2,602 की पेमेंट करनी है जिसके अंदर आप देखेंगे कि मेरा IGST 2,328 रुपये का है और CGST 136 रुपये का है और 136 रुपये का ही SGST है। अब ये वाला जो अमाउंट है ये किस तरह से सेट होगा वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अब 2,000 की अमाउंट है ये मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में से लेस होगी, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये जो रेस्ट अमाउंट बच गया है जिसकी कि मुझे अभी पेमेंट करनी है तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ अब इसके अंदर क्या होगा, ये 2,328 रुपये की जो पेमेंट होगी ये इसमें से लेस होगी। ये वाला अमाउंट आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है इसमें से ये IGST इसमें से लेस होगा और यह कितना लेस हो गया ये वाला अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 19,000 का, तो अब ये जो क्या होगा कि जैसे मैं एक मिनट इसको यहाँ ना समझा के आपको यही समझा देता हूँ, तो ये जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है इसमें से ये वाला अमाउंट है ये लेस हो जाएगा जो यहाँ पर रेस्ट अमाउंट बच रहा है ये वाला,
तो अब यहाँ क्या होगा, जब लेस होने के बाद अब यहाँ पे अमाउंट रह गया 19,975 रुपये 42 पैसा। तो ये मेरे अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस हो गया, और यहाँ पर ये वाला अमाउंट जो फाइनल है यहाँ पे जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया सेटअप, 7,000 का पूरा करना था। तो यहाँ पे अगर दोनों को जो ऐड कर देते हैं इस वाले अमाउंट को, जैसे कि अगर इसको समझने के लिए, जैसे ये वाला अमाउंट और ये वाला जो अमाउंट ITC मिला था इसको मिला देता हूँ, तो टोटल 7,117 रुपये 6 पैसे का होता है। तो यहाँ पर ये वाला अमाउंट हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, 136 रुपये की पेमेंट आपको अभी करनी है, तो 136 रुपये का अमाउंट आपको CGST जो होता है उसमें से लेना है। तो अब ये CGST में से लेने के लिए क्या होगा, अब जैसे ये वाला जो अमाउंट होता है 136 का, ये वाला अमाउंट इसमें से लेस करेंगे CGST में से। तो यहाँ पे मैं लेस करता हूँ, तो अब क्या होता है, यहाँ पर 107 रुपये की पेमेंट है, ये मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, -107, क्योंकि अब यहाँ पर क्या CGST आप देखेंगे कि आपके जो लेजर बैलेंस था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर उसके अंदर 29 रुपये था, तो 29 रुपये में से 136 रुपये लेस हो जाते हैं और उसके बाद रेस्ट अमाउंट 107 रुपये बचते हैं। अब इसके बाद मैं वापस करता हूँ SGST, तो SGST के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है, 332 में से ये अमाउंट लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे 195 रुपये अभी भी ये जो अमाउंट है बैलेंस ये पॉजिटिव में है, क्योंकि इसकी पेमेंट आपको नहीं करनी। तो ये वाला अमाउंट भी यहाँ पे सेट हो गया, 136 की पेमेंट भी हो जाती है। अब यहाँ पर जो रेस्ट अमाउंट बचेगा, अब इस जगह क्या हो गया, यहाँ पर अगर मैं यहाँ समझा देता हूँ, जैसे अगर इसी चीज़ को 29 रुपये जब अगर मैं लेस कर देता हूँ इसमें से, तो यहाँ पे 107 रुपये की पेमेंट होती है जो कि माइनस में है ये वाला अमाउंट, क्योंकि अब आपका क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो है बैलेंस नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव होने के केस में, और यहाँ पर अगर मैं इसको लेस करता हूँ 332 में से ये वाला अमाउंट, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट पॉजिटिव में रहता है। तो अब यहाँ पर ये दो चीज़ आप देखेंगे कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर था उसके अंदर CGST माइनस के अंदर चला गया, और SGST के अंदर अभी भी 195 का पेमेंट है। तो ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आपको CGST के अंदर बैलेंस नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे इसमें बैलेंस आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड कितना करना पड़ेगा, 107 रुपये 72 पैसा। तो अब आपको क्या करना होगा, इस केस के अंदर आपको GST पोर्टल पे चालान आपको क्रिएट करना है, और चालान क्रिएट करने के बाद आपको पोर्टल पे इसकी पेमेंट करनी होगी, और बिना पेमेंट किए आप अपना 3B कंप्लीट फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अब मुझे क्या करना है, 107 रुपये 72 पैसा यानी 108 रुपये का मुझे इसमें पेमेंट करना है GST पोर्टल पे, और पेमेंट करने के बाद ही मैं अपनी GST 3B को कंप्लीट कर पाया। तो ये एक प्रोसेस था जो कि थ्योरी मैंने आपको समझा दी कि किस किस तरह से आपको CGST अमाउंट होगा, तो CGST में से लेस होगा, जो SGST अमाउंट होगा उसमें से SGST अमाउंट लेस होगा। तो अब ये तो हो गया थ्योरी पोर्शन। अब प्रैक्टिकल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं पोर्टल पे, GST पोर्टल पे, तो उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना GST पोर्टल लॉगिन कर लेता हूँ, और इसी के अंदर जो चालान की पूरी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कैश लेजर बैलेंस होता है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट जो लेजर बैलेंस होता है दोनों की ही हिस्ट्री मैं आपको इसके अंदर पोर्टल में अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं अपना जो GST पोर्टल है उसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि GST पोर्टल के अंदर सबसे पहले मैं आपको चालान दिखा देता हूँ। तो चालान सर्विसेज के अंदर पेमेंट होता है, और पेमेंट के अंदर चालान हिस्ट्री। तो चालान हिस्ट्री के अंदर मैंने जो 108 रुपये की पेमेंट अभी आपको समझाई थी उसी का ये चालान है। आप देखेंगे कि 17 तारीख को मैंने इस चालान की पेमेंट की थी, 108 रुपये का पेमेंट है। तो जैसे अगर मैं व्यू करता हूँ इस पर, तो व्यू के अंदर आप देखेंगे ये 17 तारीख की पेमेंट है, और यहाँ पे 108 रुपये का CGST अमाउंट है, क्योंकि CGST अमाउंट के अंदर ही मेरा बैलेंस कम था कैश लेजर के अंदर, और यहाँ पर 108 रुपये का जो है चालान यहाँ पे मैंने पेमेंट की है। इसकी फॉर्मेट कैसी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसकी फॉर्मेट रहती है चालान की, जो चालान आप पे करते हैं पोर्टल से। तो ये तो हो गया इसका चालान। अब चालान के साथ ही अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो कैश लेजर का जो बैलेंस था, अब जैसे वापस सर्विसेज के अंदर लेजर, और लेजर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अब यहाँ पर मैं आपको बैलेंस दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर मेरा जो बैलेंस मैंने आपको दिखाया था, अभी जो समरी मैंने बनाई थी वो मैंने 3B जब मैंने फाइल करने से पहले का वो बैलेंस था, और इसके बाद मैंने अपना TCS फाइल किया था एक। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर,
और इसी के अंदर वो बैलेंस मैं आपको भी दिखा देता हूं। अभी आप देख रहे हैं बैलेंस, इसमें 4,223 रुपए का बैलेंस आपको इसमें दिख रहा है। तो ये वाला जो बैलेंस था और जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसके अंदर जो CGST और SGST जो अमाउंट आप देख रहे थे, दोनों की डिटेल मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है, यानी कि जब कभी भी आप अपना 3B जब फाइल करते हैं तो 3B फाइल करने के केस में सबसे पहले इसमें CGST होता है, उसमें से अमाउंट लेस होता है, और CGST के बाद SGST जो अमाउंट होता है उसमें से ये अमाउंट लेस होता है। तो जैसे अभी यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो कंप्लीट होने के केस में मैं आपको बता देता हूँ कि लेजर बैलेंस के अंदर जो होता है कि आपका अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, अगर उसके अंदर CGST और SGST अमाउंट होते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंट होता है। अगर दोनों के अंदर बैलेंस नहीं होता है तो उस केस में आपको जितना भी आपका ITC के अंदर जो, अगर आपको ITC कम मिला है और आपकी सेल ज़्यादा होती है लोकल सेल, तो उस केस में आपको चालान क्रिएट करना पड़ेगा और आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 1 तारीख से लेके आज तक की, मैं आपको ये पूरा हिस्ट्री दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो इसी के अंदर जो पेमेंट अभी मैंने की है उस पेमेंट की समरी भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अभी देखेंगे कि थोड़ा सा GST का जो सर्वर है काफ़ी स्लो है अभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस जो मैंने आपको दिखाया 3,170 का बैलेंस है, 3,170 के अंदर मैं आपको सेंट्रल टैक्स दिखाया था 29 रुपये का, और स्टेट टैक्स मैंने दिखाया था 332 रुपये का। तो अब उसके बाद ये देखेंगे 17 तारीख को मैंने 108 रुपये की जो पेमेंट की थी, ये पेमेंट कम्प्लीट होने पर देखेंगे कि पेमेंट कम्प्लीट हो जाती है, और होने के बाद में जो 137 रुपये का यहाँ पर आपको उसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर लेजर बैलेंस मैंने आपको दिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर बैलेंस था, अगर ये टोटल अभी आप करंट बैलेंस अगर आप देखते हैं तो 4,223 रुपए का बैलेंस आपको देखने को मिलता है। क्योंकि इसके बाद मैंने क्या किया, 18 तारीख को अपना TCS फाइल किया था। तो TCS फाइल करने पर आप देखेंगे कि TCS का क्रेडिट मुझे इसमें मिला था, ये 659 रुपए का IGST है, 31 रुपए का यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स भी इसमें मुझे रिसीव हुआ था, इसी के साथ 137 रुपए का भी इसके अंदर जो है वो चार्जेस मुझे रिसीव हुए थे। तो ये वाला तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर था, इसके अंदर 108 रुपए का वो चालान पेमेंट हो गया था। तो चालान की पेमेंट होने के बाद में ही मेरा कैश लेजर के अंदर, कोई भी अगर आप अपने चालान से पेमेंट करते हैं दोस्तों, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर के ऐड होता है, और उस पेमेंट को आप रिफंड भी ले सकते हैं। अगर इन केस आपसे चालान के अगर ज्यादा पेमेंट हो जाती है तो उस ज्यादा पेमेंट को आप रिफंड भी ले सकते हैं GST पोर्टल पे, और इसकी मैं अपनी चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर था इसका बैलेंस। और इसी के साथ अगर मैं वापस आपको इलेक्ट्रॉनिक मेरा जो क्रेडिट लेजर है उसी की मैं बात करूं यहां पे, जैसे सर्विसेज के अंदर लेजर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो इसमें भी मैंने जो बैलेंस अभी आपको दिखाया था 19,775 का कुछ मैंने समरी के अंदर आपको दिखाया था यहाँ पे, कि मैंने जो अभी यहाँ पे लेजर जो बैलेंस भेजेगा 19,975 रुपए का। तो ये वाला जो अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा जो यहाँ पे 2,328 रुपए का जो IGST अमाउंट रह गया था वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर था, इसमें से वो अमाउंट लेस होगा। तो अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और इसके अंदर अभी अमाउंट आप देखेंगे, इसमें भी वही मैं 1 तारीख से लेकर अब तक का स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप देखेंगे इसमें टोटल जो बैलेंस था 22,304, जो मैंने समरी के अंदर आपको दिखाया था 22,304, ये मेरा जो GSTR 3B फाइल करने से पहले का बैलेंस था। और उसके बाद मैंने क्या किया, आपको दिखाया था 19,000 का जो बैलेंस दिखाया था। अब 19,000 के अंदर भी आप देखेंगे कि मैंने जब यहाँ पे ITC 17 तारीख को मैंने फाइल किया था, इसके अंदर क्या होता है कि मैंने जो 19,875 का भी आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि 19,838 रुपए का इसमें आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो डिडक्शन के बाद आप देखेंगे 17 तारीख को मैंने जब ये अपनी 3B फाइल की थी, तो 3B फाइल करने के साथ ही मैंने ITC का जो क्लेम लिया था, तो ITC का क्लेम लिया था उसके अंदर मेरे को जो है
₹137 का इसमें ITC मिल गया था। तो इस वजह से यहाँ पर आपको जो बैलेंस है यहाँ पर देखेंगे कि ₹19,838 का यहाँ पे बैलेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये मेरा जो TCS की जो मैंने एंट्री थी यानी कि ITC मैंने ले लिया था 18 तारीख को, तो उसी का आपको इसमें क्लोजिंग बैलेंस में इसमें इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो समरी मैंने अभी आपको दिखाई थी, इसके अंदर अगर आपका जो आपको ITC मिलता है, और ITC के अंदर भी दो चीज़ होती है, CGST और SGST, CGST और SGST के अंदर से दोनों आपस में इसमें जो बैलेंस होता है इफेक्ट इसमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि CGST का अमाउंट CGST में से लेस होगा, और IGST का अमाउंट जो होता है अगर आपका डिफरेंस होता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस होता है उसमें से होता है। अगर इसमें भी आपका बैलेंस नहीं होता है तब जाकर के आपका इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर के अंदर जो बैलेंस होता है उसमें से वो डिडक्शन होती है आपके जो GSTR 1 के अंदर सेल होती है, और उसको 3B के अंदर आपका जो भी ऑटो सेट होता है उस केस में आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस नहीं होता है तब जाकर के आपका इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर का जो बैलेंस होता है IGST का उसमें से वो अमाउंट डिडक्ट होता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस था, यानी कि अगर आपका CGST और SGST का अमाउंट जो होता है कम होता है और आपकी सेल ज़्यादा होती है तो उस केस में आपको चालान से पेमेंट करनी होगी, और चालान से पेमेंट किए बिना आप अपनी GSTR 3B को फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो समरी थी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस किस कंडीशन में आपको जो है अपने चालान की पेमेंट करनी होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।